हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे दोस्तों कि कैसे हम एचटीएमएल में एक दोस्तों टेबल को डिजाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि मैंने यहाँ पे एक टेबल डिजाइन कर रखी है जिसमें कि दोस्तों हमारे टॉप पे आ रहा है स्टूडेंट रिकॉर्ड टेबल। और यहाँ पे दोस्तों मैंने एक टेबल को डिजाइन कर रखा है जिसमें कि सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे आ रहा है सब्जेक्ट नेम। सब्जेक्ट में आ रहे हैं हमारे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और एसएसटी। और यहाँ पे आ रहा है दोस्तों टोटल मार्क्स। अब बात करें हम इसकी कोडिंग की, तो यह है दोस्तों हमारी एचटीएमएल की पूरी कोडिंग। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों यही सीखेंगे कि आखिर हम एचटीएमएल में एक दोस्तों टेबल को ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे एचटीएमएल, फिर आएगा दोस्तों हमारा हेड, फिर आएगा टाइटल। टाइटल में क्या देंगे, स्टूडेंट रिकॉर्ड टेबल, और यहां से कर देंगे टाइटल क्लोज, और यहां से कर देंगे हेड क्लोज। ओके फ्रेंड्स, और यहां से ओपन करेंगे अपना बॉडी, अगेन यहां से कर देंगे बॉडी क्लोज, और यहां से कर देंगे अपना HTML क्लोज। ओके फ्रेंड्स, और यहां से करेंगे अपनी फाइल को सेव कंट्रोल S से, और इसे सेव करेंगे दोस्तों अपने डेस्कटॉप पे, और इसका नाम देंगे स्टूडेंट रिकॉर्ड टेबल, और यहाँ डॉट एच टी एम एल। दोस्तों यहाँ पे डॉट एच टी एम एल जरूर लगाइएगा। ओके फ्रेंड, और यहां से सेव, और यहां से जाएंगे अपने हम डेस्कटॉप पे, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारी फाइल सेव हो चुकी है स्टूडेंट रिकॉर्ड टेबल। तो इसे करेंगे हम सिंपली ओपन। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे हमने टाइटल दिया था स्टूडेंट रिकॉर्ड टेबल, जो कि दोस्तों हमारा यहाँ पे आ चुका है। ओके फ्रेंड्स, अब दोस्तों बारी हमारी इस तरह की टेबल डिजाइन करने की। तो उसके लिए जाएंगे फिर से अपने कोडिंग पे, और यहां करेंगे बॉडी के बाद क्लिक, और यहां लिखेंगे टेबल, टेबल टैग को करेंगे ओपन, और यहां पे लाएंगे दोस्तों टी आर, मतलब पहला रो क्रिएट करेंगे टी आर। टी आर में क्या आएगा दोस्तों हमारा टी डी, टेबल डिस्क्रिप्शन। तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले आएगा हमारा सीरियल नंबर, तो यहां ले देंगे सीरियल नंबर, और यहां से कर देंगे टीटी को क्लोज, और फिर सेकंड नंबर पे आएगा दोस्तों हमारा स्टूडेंट नेम, यहां लिखेंगे स्टूडेंट नेम, फिर से यहां से टीटी क्लोज, और यहां पे फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट नेम, यहां से फिर से टीटी क्लोज, और फिर यहां पे आएगा टीडी में अगेन, यहां पे क्या आएगा हमारा टोटल मार्क्स, फिर से यहां से टीडी क्लोज। ओके फ्रेंड्स, और इसे करेंगे फिर से कंट्रोल एस, यहां से जाएंगे अपने क्रोम पे, और यहां से करेंगे अपने पेज को रिफ्रेश। तो अब देखें दोस्तों कि यहां पे हमारा आ चुका है सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट नेम और टोटल मार्क्स। ओके फ्रेंड्स, फिर से चलेंगे अपने कोडिंग पे, और यहां जाएंगे टेबल में, यहां लगाएंगे बॉर्डर, जितना दोस्तों आपको बॉर्डर देना हो आप सिंपली यहां पे दे सकते हैं। तो मैं यहां पे 2 दे देता हूं। फिर से चलेंगे अपने क्रोम पे, तो आप देख रहे हैं यहां पे दोस्तों हमने 2 रो को स्पैन कर रखा है, मतलब दोस्तों हमने 2 रो को कंबाइन कर रखा है सीरियल नंबर में और स्टूडेंट नेम में, और यहां सब्जेक्ट में हमने 5 कॉलम को स्पैन कर रखा है, मतलब कि 5 कॉलम हमारे मर्ज है सब्जेक्ट नेम में, 1 2 3 4 5। ओके फ्रेंड्स, तो यहां से चलेंगे फिर से कोडिंग में, और यहां लगाएंगे सीरियल नंबर में रो स्पैन, इसलिए कि हमने रो को स्पैन कर रखे थे, रो स्पैन इक्वल टू कितने कर रखे हमने 2, तो यहां पे क्या लिख देंगे 2, और यहां पे सब्जेक्ट नेम में कितने कर रखे हमने रो, फिर से 2, रो स्पैन इक्वल टू फिर से यहां पे 2।
अब बारी हमारे सब्जेक्ट नेम में, तो सब्जेक्ट नेम में हमने दोस्तों क्या किया था, कॉलम को स्पैन, तो यहां लिखेंगे कॉल स्पैन इक्वल टू, फिर से देंगे यहाँ पे कितना कर रखा था हमने 5, इसलिए हमारे 5 सब्जेक्ट हैं, इसलिए हम 5 कॉलम को स्पैन कर रहे हैं, मतलब मर्ज कर रहे हैं। फिर से आएगा यहाँ पे रो स्पैन, इक्वल टू यहाँ पे क्या जाएगा 2, ओके फ्रेंड्स, और इसे करेंगे कंट्रोल एस से सेव, ओके फ्रेंड्स। तो फिर से चलेंगे यहाँ से क्रोम पे और यहाँ से जाएंगे टेबल वाले में, तो आप देख रहे हैं कि इसके बाद हमारा क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है सब्जेक्ट के नेम। तो फिर से चलेंगे यहाँ से कोडिंग पे, अब लिखेंगे दोस्तों अपने सब्जेक्ट के नेम, तो फिर से ओपन करेंगे यहाँ से TR टेबल रो को और यहाँ लिखेंगे TD में सब्जेक्ट के नेम, तो हमारा पहले क्या सब्जेक्ट होगा इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर मैथ, फिर साइंस, फिर SST, ओके फ्रेंड्स, और यहां से कर देंगे अपना TR को क्लोज, फिर से करेंगे इसे कंट्रोल S से सेव, यहां से जाएंगे फिर से क्रोम पे और यहां से करेंगे अपने पेज को रिफ्रेश, तो आप देखना दोस्तों कि यहाँ पे आपके सब्जेक्ट नेम आ चुके हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और SST। अब दोस्तों बारी हमारे इस तरह से रिकॉर्ड अपने फिल करने की, तो फिर से चलेंगे अपने कोडिंग पे और यहाँ फिर से ओपन करेंगे अपना TR को, टेबल रो को, और यहाँ लिखेंगे TD में पहला क्या है हमारा रोल नंबर, तो यहाँ पे 1 एंटर कर देंगे। अब दोस्तों आएगा हमारा स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट नेम और यहां से कर देंगे TD को क्लोज। अब दोस्तों बारी हमारे सब्जेक्ट की मार्क्स एंटर करने की, तो यहां पे दोस्तों अपने सब्जेक्ट में मार्क्स एंटर कर देंगे, तो हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं दोस्तों 5, तो यहां पे हम 5 सब्जेक्ट के मार्क्स कर लेते हैं एंटर, तो यहां पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो इसमें देते हैं हम 85 और यहां से TD को क्लोज, फिर TD ओपन और फिर मार्क्स देंगे हम, अगेन TD क्लोज, फिर से ओपन करेंगे। इस तरह से दोस्तों अपने सारे मार्क्स को एंटर कर लेंगे, ओके फ्रेंड। और यहां से कर देंगे दोस्तों अपना TR को क्लोज और यहां से कंट्रोल S और यहां से जाएंगे अपने फिर से कोडिंग पे और यहां से करेंगे अपने पेज को रिफ्रेश, तो आप देखें दोस्तों कि यहां पे हमारे सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम और यहां पे सब्जेक्ट के मार्क्स और यहां पे टोटल आ चुके हैं, ओके फ्रेंड्स। अब दोस्तों यहां पे हम सब्जेक्ट नेम को करते हैं सेंटर में और दोस्तों हम अपने टेबल को एक हेडिंग देते हैं, तो उसके लिए जाएंगे फिर से कोडिंग पे और यहां से जाएंगे टेबल वाले कॉलम में और यहां लाएंगे दोस्तों एक टैग जिसका नाम दोस्तों कैप्शन, लिखेंगे कैप्शन ब्रैकेट क्लोज, यहां से लिख देंगे और यहां करेंगे इसे अंडरलाइन और बोल्ड भी और यहां लिखेंगे स्टूडेंट रिकॉर्ड टेबल, जो भी दोस्तों आपको लिखना आप सिंपल यहां पे लिख सकते हैं, यहां से बोल्ड क्लोज, यहां से अंडरलाइन क्लोज और यहां से दोस्तों कर देंगे लास्ट में कैप्शन को क्लोज, ओके फ्रेंड्स। और यहां से हमें दोस्तों सब्जेक्ट नेम को सेंटर में लेना है, तो यहां पे लगाएंगे सेंटर टैग को, तो यहां लिखेंगे सेंटर, यहां से ब्रैकेट क्लोज और यहां से कर देंगे अपन टैग को क्लोज, ओके फ्रेंड्स। यहां से कंट्रोल S से सेव, अगेन जाएंगे क्रोम में और इसे करेंगे रिफ्रेश, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा आ चुका है स्टूडेंट रिकॉर्ड टेबल और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट नेम भी सेंटर में आ चुका है। अब दोस्तों हम अपने पूरे टेबल को ही सेंटर में कर लेते हैं, तो फिर से जाएंगे कोडिंग पे और यहाँ पे लगाएंगे बॉडी से पहले एक सेंटर टैग और यहाँ पे दोस्तों लगाएंगे बॉडी के बाद एक सेंटर टैग को, कर देंगे यहां से क्लोज,
यहाँ से कंट्रोल एस, फिर से जाएंगे क्रोम में और यहाँ से रिफ्रेश। तो अब देख रहे हैं दोस्तों कि हमारा टेबल भी सेंटर में आ चुका है। अब दोस्तों हम इसी तरह से कुछ अपने रिकॉर्ड को एंटर कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सिंपली हम जाएंगे यहाँ से कोडिंग पे और यहाँ से दोस्तों अपने रिकॉर्ड को कर लेते हैं एंटर। तो मैं दोस्तों जब तक के लिए अपनी वीडियो करता हूँ पॉज। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख रहे दोस्तों कि मैंने यहाँ पे अपने इन्फॉर्मेशन को एंटर कर ली है। तो मैं यहाँ से करूंगा कंट्रोल एस से सेव, फिर से जाऊंगा यहाँ से क्रोम पे और इसे करेंगे हम रिफ्रेश। तो आप देख रहे दोस्तों कि यहाँ पे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हैव अ नाइस डे।